भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि रामनवमी का जुलूस निकालने वाले राम भक्तों के ऊपर फूलों से बारिश हेलीकॉप्टर से किया जाएगा। डेमोग्राफी चेंज ना होने दे और बांग्लादेशियों को जो है झारखंड से खदेड़ के भगाए उस पार्टी को जो है वोट दिलवाइए। 24,000 संस्कृत के श्लोक से जो है एक रामायण कंप्लीट हुआ और वो ग्रंथ धर्म ग्रंथ जो है हर हिंदू के घर में रहना चाहिए। सनातन जो है बहुत बड़ा एक वट वृक्ष है, उसको बढ़ावा देने की क्या जरूरत है, उसको संरक्षित करने की जरूरत है, उसको मजबूत करने की जरूरत है। वाल्मीकि की जयंती है और यहाँ पे मनीष भैया आए हुए हैं जो कि आज समारोह था अखिल भारतीय की तरफ से। भैया क्या संदेश देना चाहेंगे आज वाल्मीकि जी का जो है जयंती है? देखिए यहाँ पे भगत भैया ने बुलाया था, भगत वाल्मीकि जी यहाँ पे हर एक शनिवार को और मंगलवार को जो है ये हनुमान चालीसा का पाठ कराते हैं। मुझे यहाँ पे आने के बाद पता चला और झारखंड में इन्होंने हिंदुवादी युवाओं को जो है बहुत बड़ा जो है वो मतलब कि जगाने का प्रयास किया, बहुत सारे युवाओं को जगाने का प्रयास किया। तो इनको तहे दिल से धन्यवाद। अगर ये नहीं होते तो खड़े आ जाइए भैया तो शायद मैं यहाँ पे नहीं आ पाता। और इन्होंने महर्षि वाल्मीकि के बारे में बहुत सारी चीजें बताई, इन्होंने बताया कि महर्षि वाल्मीकि रत्नाकर डाकू नहीं थे, नारद मुनि जो है उनके गुरुदेव थे और रामायण का रचयिता सबसे पहले उन्होंने किया राम जी से पहले, मतलब राम जी कुछ करते थे उससे पहले उनको जो है आभास हो जाता था और पहले ही वो रामायण में लिख देते थे। 24,000 संस्कृत के श्लोक से जो है एक रामायण कंप्लीट हुआ और वो ग्रंथ धर्म ग्रंथ जो है हर हिंदू के घर में रहना चाहिए। तो ऐसे ऐसे लोगों के कारण जो है मैं यहाँ पे आया। तहे दिल से धन्यवाद भगत भैया को। यह एक सवाल और था, झारखंड में चुनाव है उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए जितने भी राष्ट्रवादी लोग हैं जो झारखंड का विकास चाहते हैं उन लोगों से सभी से मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग घरों से बाहर निकलिए और चुनाव के दिन कम से कम 11-11 लोगों को बूथ पे ले जाके जो है वो राष्ट्रवादी पार्टी जो आपकी सुरक्षा करे, जो आपकी बहन बेटियों की रक्षा करे, आपके धर्म स्थलों की रक्षा करे, डेमोग्राफी चेंज ना होने दे और बांग्लादेशियों को जो है झारखंड से खदेड़ के भगाए उस पार्टी को जो है वोट दिलवाइए। जी भैया अभी कुछ सनातनी की बात जो कर रहे थे उसके विषय में क्या कहेंगे, जिस तरीके से सनातन को बढ़ावा दिया जा रहा है? देखिए बढ़ावा सनातन को बढ़ावा तो ऐसे भी सनातन जो है बहुत बड़ा एक वट वृक्ष है, उसको बढ़ावा देने की क्या जरूरत है, उसको संरक्षित करने की जरूरत है, उसको मजबूत करने की जरूरत है। और भगत वाल्मीकि जैसे लोग, अमन बाबा जैसे लोग और भी बहुत सारे लोग जो है सब मिलके जो है सनातन को जो है और मजबूत कर रहे हैं और सनातन की सुरक्षा वाली सरकार जो है अगर झारखंड में आ जाए तो और अच्छी बात है। अभी जो है दशहरा के समय में पत्थर चलता है, रामनवमी का जुलूस निकालने के दौरान जो है पत्थर चल जाता है। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि रामनवमी का जुलूस निकालने वाले राम भक्तों के ऊपर फूलों से बारिश हेलीकॉप्टर से किया जाएगा और साथ ही साथ दशहरा का मतलब कि विसर्जन के दौरान किसी भी बांग्लादेशी या रोहिंग्या या देशद्रोही के अंदर इतना हिम्मत नहीं होगा कि वो पत्थरबाजी कर सके। तो ये थे हमारे साथ मनीष कश्यप जी जो कि आज वाल्मीकि जयंती पे मौजूद थे और यहाँ पे माल्यार्पण किए हैं और लोगों को संदेश दिया है, सनातन को बढ़ावा दिया है। और आपको बता दें अभी कुछ दिन पहले ही जो है मनीष जी ने भाजपा ज्वाइन किया है, पत्रकारिता की एक अहम भूमिका निभाने वाले मनीष जी अब भाजपा ज्वाइन कर चुके हैं तो ऐसे में वो सनातन की और कहीं ना कहीं रुक कर रहे हैं। बाकी आप क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।